हेलो जय हिंद दोस्तों मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आज हमारे टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है जैसा आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर इन 100 में से आपको टारगेट दिया है मैंने पचासी प्रश्न ठीक करने का और ये वो प्रश्न है जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में बार बार लगातार हर वर्ष पूछे जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह मैंने एक ही वीडियो में ऐड किया है तो चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं उम्मीद करेंगे सेशन आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगने वाला है तो शुरू करें क्लास आज की अपनी चलिए शुरू करते हैं तो देखिएगा क्योंकि ये लगभग क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कम से कम 95 प्लस क्वेश्चन ठीक करें ठीक है 95 प्लस क्वेश्चन क्वेश्चन अचीवेबल 99 आपके पड़े हुए होंगे बस यही है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है सोल्व कर पाते हैं ठीक है और ध्यान रखना जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं वीडियो उन सभी को यह पूरा देखना है भाई पूरा आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है सो प्रश्नों का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर फटाफट से आपको आंसर देना है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी और आंसर के लिए ज्यादा समय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा क्योंकि सो प्रश्न है और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ठीक है पहला प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी बोध गया जिन्होंने दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच करना है आपको आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ऑप्शन में किसी भी प्रश्न के यहां पर नहीं बोलूंगा ठीक है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने फटाफट -फड़ से मैच कीजिएगा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है ऑप्शन आपके सामने है समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें पंजाबी भाषा की लिपि कितनी है कौन सी है तो गुरुमुखी है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है जल्दी भाई जल्दी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे सभी कन्याकुमारी क्वेश्चन नंबर फाइव भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है जल्दी से आंसर देना है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर मैच करना है आपको और मैच करते चले जाना है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है जल्दी से आंसर दीजिए भाई इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा मधुमेह जिसको शुगर भी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और यह एक नृत्य भी है भाई बीहू तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है असम उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है फटाफट से आपको आंसर देते चले जाना है क्वेश्चन नंबर आठ कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है जल्दी से आंसर चाहिए मुझे आपका तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी और ऑप्शन भी सी क्या सभी का आंसर सही है मैच कर दो भाई क्वेश्चन नंबर नाइन देखो सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट है भाई ये सभी की सभी सौ की सौ आपको देखने आज आज टेस्ट लगा डालो सौ की सौ प्रश्नों का देख लो आपका लेवल कितना है सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के काल में हुआ था ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे राइट क्वेश्चन नंबर दस फटाफट से मैच करो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ कागज का आविष्कार ऑप्शन करेक्ट होगा बी चाइना में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था क्या ध्यान रहेगा क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर ग्यारह आपको फटाफट से मैच करना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था जल्दी भाई जल्दी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ क्या सभी ने सही आंसर दिया है मैच कर लेना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपका भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है और जिन्होंने भी अभी तक यह वीडियो लाइक नहीं किया है सबसे पहले बस वीडियो को लाइक कर दो भाई अभी के अभी वीडियो को लाइक करना है आपको और चैनल पे यदि नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति जिन्होंने ऑप्शन बी को दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तेरह है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है क्वेश्चन नंबर चौदह है पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है और पोंगल एक त्योहार भी है भाई। राइट आंसर ऑप्शन बी जो दे रहे हैं तमिलनाडु उन सभी का बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर पंद्रह भारत की पहली महिला शासिका कौन थी जल्दी से आंसर देना है भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान ऑप्शन डी क्या सभी ने सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर सोलह मछलियां किन की सहायता से सांस लेती हैं मछलियां किन की सहायता से सांस लेती हैं आज मैं किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या 100 है और मैं नहीं चाहता कि आपका यह कीमती समय ज्यादा वेस्ट हो जाए ठीक है भाई तो क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन और आंसर आपको फटाफट से आंसर देते रहना है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गलफड़ों से क्वेश्चन नंबर सत्रह इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था जल्दी आंसर दीजिएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह ने क्वेश्चन नंबर अठारह जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जल्दी से आंसर देना है आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार रिपीटेड है जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट फड़ से मैच कीजिएगा उन्नीस में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी हां जी आंसर दीजिए आंसर आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है लाला लाजपत राय जिन्होंने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सांड्रस की हत्या किसने की थी जल्दी से करेक्ट आंसर आपको मैच कर लेना है ऑप्शन बी भगत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है अठारह की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था तो राइट right आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी होगा मंगल पांडे ने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जल्दी से आंसर दे दो भाई इसका भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ऑप्शन ए करेक्ट होगा सरोजनी नायडू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला कौन थी ऑप्शन ए होगा संतोष यादव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मैच करना है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था जल्दी से आंसर दीजिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं मूल शंकर उन सभी का आंसर भाई बिल्कुल सही है ओके और देखिएगा कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपके सिर्फ पंद्रह सेकंड लेना चाहूंगा कि हमारे जिन्होंने भी आर्मी जीडी स्पेशल के दस मॉडल पेपर नहीं खरीदे हैं वो जाकर जल्दी से खरीद ले जिन्होंने भी आर्मी जी की तैयारी करनी है जो आर्मी जी की तैयारी कर रहे हैं मात्र तीस रुपये में आपको सभी ये मॉडल पेपर मिलेंगे सेवन फाइव सिक्स डबल जीरो सिक्स फोर वन जीरो वन पर आपको पेटीएम फोनपे गूगल पे भीम द्वारा पेमेंट करना है और इसी नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है सक्सेसफुल का आपको एक मिनट के अंदर अंदर व्हाट्सएप पे सभी की सभी मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे ये दस मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है चौदह मॉडल टेस्ट पेपर हैं यदि किसी कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं चलिए क्लास पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था भाई ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है वास्को डिगामा कहा का रहने वाला था राइट right आंसर आपको देना है फटाफट से डिगामा ने चौदह में भारत की यात्रा की थी और भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी ऑप्शन सी पुर्तगाल करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है हवा महल ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा जो लोग जयपुर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है 29 क्वेश्चन है आपके सामने सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और सिखों के अंतिम गुरु थे गोविंद सिंह जी जो कि दसवें नंबर के गुरु थे क्वेश्चन नंबर थर्टी है हमारा दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का कितनी बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में ये आपको भी नहीं पता होगा दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल उसका नाम है विजय घाट क्या ऑप्शन सी सभी ने सही आंसर दिया है कर लो भाई मैच ट्वेंटी सॉरी थर्टी वन महाभारत के रचिता कौन है जल्दी से महाभारत के रचिता कौन है ऑप्शन ए सही होगा इसका महर्षि वेद जी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो किसने लिखी थी भाई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है जल्दी से आंसर देना है आपको विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आठ मई को आठ मई अठारह हेनरी ड्यूनॉट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी इसको शांति में तीन बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है अब देखिए ये कई सारे क्वेश्चन होते हैं सूर्योदय का देश हो गया उगते सूरज का देश हो गया ठीक है डूबते सूर्य का देश हो गया मध्य रात्रि का सूर्य तो ये तीन चार प्रश्न बनते हैं कंफ्यूज मत होना ठीक है अच्छे से कवर करना इनको देखो सूर्योदय का देश के नाम से जापान को जाना जाता है ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा जापान थर्टी फाइव आंसर मैच करो फटाफट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हाँ जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है आठ मार्च को क्या ऑप्शन भी सभी ने सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है और यह क्वेश्चन तो मैं आपकी प्रीवियस वीडियो में करवा भी चुका हूं लगभग क्वेश्चन हम अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे आपका स्कोर मुझे एक लगभग 90 प्लस चाहिए बट फिर भी आपको मैंने 85 का टारगेट दिया है यदि आप इतने भी अचीव करते हैं तो ये भी काफी है ठीक है भाई बहुत स्कोर है ये भी बट अगर 95, 90 प्लस अचीव करेंगे तो वो और बेटर होगा करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गोवा क्वेश्चन नंबर थर्टी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दो जी आंसर इसका फटाफट से राइट आंसर यहां पर मैच करना है आपको ऑप्शन ए रहेगा 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी क्वेश्चन नंबर 38 सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है हां जी सबसे चमकीला ग्रह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र क्वेश्चन नंबर 39 भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो देखो भाई ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा बाघ उन्नीस नाइनटीन तक भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो शेर हुआ करता था 1972 के बाद से बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है क्वेश्चन नंबर 40 भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है दो जी फटाफट फड़ से आंसर भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है तो यह लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है राष्ट्रगान लिखा है ठीक है भारत का भी और बांग्लादेश का भी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया है सुभाष चंद्र बोस सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है भाई क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू मैच करना है आपको रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है तो देखो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने मैडम क्यूरी पे कुछ लोग कर देते हैं टिक पर मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी ओके चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री मैच करिएगा मास्टर ग्रंथी कहा जाता है मास्टर ग्रंथी किसे बोलते हैं तो बोलते हैं पीयूष ग्रंथी को ऑप्शन बी आंसर होगा और इसका आंसर सभी ने सही दिया होगा सभी प्रश्न आसान है बार बार पूछे गए हैं तो इसीलिए 85 टारगेट दिया है बट आप 85 से ज्यादा अचीव कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का स्कोर चाहिए भाई सभी का हर एक सिंगल स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में स्कोर चाहिए कि आपकी तैयारी क्या है और आप इतने दिन से क्या तैयारी कर रहे हो 44 कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दे दो जी इसका आंसर फटाफट से ऑप्शन ए जो लोग हीरा दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है आपका किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था दे दो भाई इसका भी आंसर ऑप्शन इसका रहेगा बी सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था फोर्टी सिक्स अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है हां जी कितना आसान प्रश्न है ना ऑप्शन सी करेक्ट होगा काला क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन मैच करना है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन में किसी के भी नहीं पढ़ रहा हूं ठीक है आपका समय ही बच रहा है फटाफट से आंसर दो भाई अगर कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पाते तो मन में तो आपने सोच ही लिया ना क्या आंसर है तो मन में भी आप मैच कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है तो देखो गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर होगा दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है अच्छा ये तो दूरबीन है अगर मैं बोलूं सूक्ष्मदर्शी का अब कुछ लोग सूक्ष्मदर्शी को भी दूरबीन समझ लेते हैं जो कि गलत है भाई सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जैक जॉनसन ने जेड जॉनसन ने चलो 48 क्वेश्चन देखो भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था तो ऑप्शन सी अठारह बिल्कुल करेक्ट आंसर है और किसके शासनकाल शासन काल में हुआ था उस समय वाइस राय कौन थे कमेंट बॉक्स में मुझे उसका भी आंसर आपसे चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन देखो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे हाँ जी राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन बी राकेश शर्मा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो क्या आपका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है चौबीस अक्टूबर तो बिल्कुल सही आ रहा है भाई तो यहां पर हमारे पचास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पचास आगे क्वेश्चन और बचते हैं फटाफट से कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है तो यहां पे स्थित है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही आंसर है मैच कर लेना भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहां पे हिंदी दिवस मनाया जाता है चौदह सितंबर को ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है हाँ जी तो ऑप्शन बी इसका भी रहेगा अनुच्छेद तीन के द्वारा क्वेश्चन नंबर चौवन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है फटाफट फड़ से आंसर दे दो भाई इसका इसके लिए समय तो देने की जरूरत ही नहीं है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ध्यान रखना चार वर्षों बाद 55 अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो राइट right आंसर इसका होगा ऑप्शन ए दस दिसंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है करेक्ट आंसर जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं थार वो बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दीजिए फटाफट से आंसर तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह स्थित है भाई आसाम में ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है आंसर आंसर फटाफट से ऑप्शन सी मैच कर लेना शिप्रा नदी जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है और जो लोग अभी यहां से चले गए हैं भाई इनको बोल रहा हूं जो लोग अभी देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं वीडियो आपको ये कंप्लीट देखना है ठीक है सौ प्रश्न है थोड़े से और रह गए हैं और कमेंट बॉक्स में हर एक का स्कोर चाहिए मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत मेहनत की है आपके लिए इस वीडियो बनाने के लिए मैंने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप पूरा कंप्लीट टेस्ट लगाएं इसका लाभ उठाएं फिफ्टी नाइन निमन में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी अधिक सुचालक है करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं ऑप्शन बी चांदी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है हाँ जी मुख्य रूप से गोबर गैस में मिथेन होती है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह किसने कहा था आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने यह बोला था क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है दे दो जी इसका आंसर फटाफट से तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी छ वर्ष सिक्सटी थ्री हिंदी भाषा की लिपि क्या है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा देवनागरी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर देखना है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो देखो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंट मार्तंड ठीक है भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट वो पूरे ऑल इंडिया का था ये हिंदी भाषा का है ठीक है 65 तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अवधी भाषा में जिन्होंने अभी तक हमारा यह या प्रयास यानी कि या यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट फड़ से आपको यह वीडियो लाइक कर देना है 66 है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी हां जी करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सन अठारह में। 67 द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है ऑप्शन ए करेक्ट होगा पास्कल का नियम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है ऑप्शन सामने है समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी मैग्नीशियम सिक्सटी नाइन एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है अब देखो एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती हैं बट जो मुख्य घटक होगा वो ब्यूटेन होगा सबसे अधिक मात्रा में भी ब्यूटेन ही पाई जाती है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी कि अनपढ़ था आंसर चाहिए भाई फटाफट से तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है अकबर बिल्कुल सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 71 वन गदर पार्टी का संस्थापक कौन था हां जी करा क्या आंसर दिया है अपने ऑप्शन सी दिया है ना लाला हरदयाल क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की और देखो इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा सौ की सौ प्रश्नों का ठीक है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो वहां जाके इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इसी का नहीं जितने भी हमारी YouTube पे क्लास हो रही है सभी का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाता है वहां पे तो वहां पे जाके पहले आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है तो देखो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई दे दो भाई आंसर फटाफट से ऑप्शन बी नाइनटीन में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था 75 फाइव नंबर क्वेश्चन है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है हां जी डेंगू मत करना ऑप्शन सी होगा इसका मलेरिया ठीक है डेंगू होता है मादा एडीज मच्छर के काटने से तो ये अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं भाई यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग सेवनटी सिक्स क्वेश्चन को मैच करो फटाफट से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था तो भाई यह सबसे पहले बताया था कॉपर निकस ने ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवनटी सेवन है गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है दे दो जी इसका भी आंसर फटाफट से तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है ठीक है दिल्ली मत करना कुछ लोग दिल्ली कर रहे होंगे दिल्ली में क्या है दिल्ली में भाई आपका इंडिया गेट है ठीक है इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई 78 एट खेल दिवस कब मनाया जाता है कितना आसान प्रश्न है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर हर वर्ष उनतीस अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बार स्वर्ण पदक जीता है तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें ओलंपिक में जाकर भारत ने आठ बार गोल्ड मेडल जीते हैं तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर एटी देखो इसके साथ पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है बीमारी का नाम मिल्क फीवर किसकी कमी से कैल्शियम की कमी से होती है क्वेश्चन नंबर एटी वन किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है हाँ जी इकोनॉमिस्ट बताना है आपको कौन थे तो डॉक्टर अमर्त्य सेन क्या ऑप्शन भी सभी ने सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर एटी टू भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं यानी कि बेसिकली क्वेश्चन है कि बिस्मिल्ला खान कौन सा यंत्र बजाते थे शहनाई ऑप्शन डी करेक्ट होगा जी 83 मैच करो फटाफट उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हिमाद्री रहेगा 84 पीलिया किस अंग का रोग है किस अंग को प्रभावित करता है तो पीलिया यह लीवर यानी कि यकृत की एक बीमारी है क्वेश्चन नंबर एटी फाइव किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है आंसर दे दो जी फटाफट फड़ से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो बोलते हैं समुद्र गुप्त को करेक्ट है जी सभी का चलो एटी सिक्स राम किशन मिश्र की स्थापना किसने की थी रामकिशन मिश्र की स्थापना यह की थी स्वामी विवेकानंद जी ने क्वेश्चन नंबर एटी सेवन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी तो किसने दी थी भाई तो यह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक है ये ध्यान रखेंगे अलग अलग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी एट दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो कौन से क्षेत्र में देते हैं तो यह देते हैं फिल्मी क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर एटी नाइन भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं तो सर्वोच्च वीर पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र क्वेश्चन नंबर नाइनटी मैच कर लो भाई फटाफट से इसके बाद दस क्वेश्चन तो बचते हैं फटाफट से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो देंगे फटाफट से सभी लोग आंसर भारत का शेक्सपियर यह बोलते हैं काली दास को ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है आंसर चाहिए जी फटाफट से आंसर देना है कंप्यूटर का पिता बोलते हैं चार्ल्स बैवेज को क्या ऑप्शन है सभी ने आंसर सही दिया है क्वेश्चन नंबर 92 टू है आपका प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सन में छोड़ा गया था तो कौन से सन में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 93 नंबर धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है हाँ जी तो क्या है सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है खाने के सोडा जिसको क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा ठीक है भाई अच्छा सोडियम क्लोराइड नमक का होता है NaCl, ये ध्यान रखेंगे सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है फोटोग्राफी में यूज होता है हाइपो के रूप में और एक सिल्वर ब्रोमाइट है वो भी फोटोग्राफी में यूज होता है 94, फोर हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है तो ट्रिक बता चुका हूं भाई वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है आपका कीड़ा ठीक है कीड़ा विटामिन के ई डी और ए ठीक है और जल में कौन सा विटामिन घुलता है तो जल में घुलता है आपका बचा हुआ बी और सी तो बी और सी तो आपका जल में घुलेगा विटामिन सी जो दे रखा है आपको विटामिन के ये आपका घुलेगा वसा में क्वेश्चन नंबर 96 सिक्स विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है किसका अभ्रक का तो यह होता है सबसे अधिक उत्पादन भारत में अब क्या कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बता पाएगा कि भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वप्रथम सबसे ज्यादा होता है क्वेश्चन नंबर 97 सेवन का मुख्यालय कहां स्थित है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी काठमांडू में क्वेश्चन नंबर 98 मैच करना है भारत कोकिला कौन कहलाती है तो देखिएगा भारत कोकिला जो है वो है सरोजिनी नायडू और लता मंगेशकर का भी आपको याद रखना है ये होती हैं स्वर कोकिला ठीक है इनको स्वर कोकिला बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो कौन सा रोग होता है वो होता है एनीमिया और क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है और आज का अंतिम प्रश्न है यदि आपने यहां तक यह वीडियो देखा है तो आपके अंदर आर्मी के एग्जाम क्वालिफाई करने की लगन है इस क्वेश्चन के बाद सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में स्कोर करेंगे ठीक है मुझे आशा है कि आप सभी का स्कोर बहुत ही अच्छा आया होगा आज की क्विज में और आज का सेशन भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा क्वेश्चन नंबर सो है संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है तो कितनी भाषाओं का ऑप्शन सी सही होगा बाईस भाषाओं का उल्लेख मिलता है तो यहां पर आपके पूरे सो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न कंप्लीट होते हैं यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और लेकर आऊं सौ सौ प्रश्नों की तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ऐसे प्रश्नों की सीरीज हम दोबारा से लेकर आएंगे और लास्ट में फिर से यही बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे ये आर्मी जी के प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदे हैं उनको यह खरीदना है ठीक है ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं तो भाई अपनी चीज़ की तो मैं एडवर्टीजमेंट ही सकता हूं ना किसी भी पेड प्रमोशन की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है आप ही के फायदे की बात है सभी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और मात्र तीस रुपए में आपको ये सभी चौदह मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे ठीक है ये दिए गए नंबर से आप पेटीएम फोनपे गूगल पे भीम द्वारा पेमेंट करके इसी नंबर पर आपको स्क्रीन भेज देना है राइट right? तो आपको यह व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगे तो दोस्तों यही था आज का वीडियो बताना आपको कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत